दोस्तों, 2 सितंबर शनिवार के दिन आदित्य L1 मिशन सूर्य की स्टडी करने निकले सूर्यान के बारे में इसरो ने नई अपडेट दी है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 ने तीसरी बार ऑर्बिट बदली है। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 ने पृथ्वी की कक्षा को बदलने का तीसरा चरण पूरा कर लिया गया है। अब ये 296 किलोमीटर के अंदर 71,767 किलोमीटर पर चक्कर लगा रहा है। इससे पहले 5 सितंबर को दूसरी छलांग में ये 282 किलोमीटर बाई 40,225 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया था। तीसरी छलांग की प्रक्रिया को इसे इसरो द्वारा सफलता से अंजाम दिया गया। इस दौरान मॉरिशस और पोर्ट प्लेयर के ग्राउंड स्टेशन ने रिकॉर्ड किया। अब 15 सितंबर को अगले ऑन ऑर्बिट में पहुंचने के लिए छलांग लगाई जाएगी। 15 सितंबर को न सिर्फ आदित्य L1 अगली कक्षा में छलांग लगाएगा, बल्कि उसे और तीव्र गति प्रदान की जाएगी ताकि वो उनके कक्षा तक आसानी से पहुंच सकें। जब धरती की कक्षा से सफलता के साथ आदित्य L1 को निकाल लिया जाएगा, उसके बाद ट्रांस लैग्रेंजियन छलांग की प्रक्रिया शुरू होगी। इस तरह आदित्य को L1 लैग्रांज पॉइंट तक पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसरो के द्वारा बताया गया है कि भारत का पहला सौर मिशन 125 दिनों का होने वाला है। इसरो के अनुसार आदित्य L 116 दिन पृथ्वी की कक्षा में ही रहेगा और इसके बाद आगे की प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 की तरह ही अपना इसरो का आदित्य L1 सूर्य मिशन भी इतिहास रच पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।